ये है BARC का बैचलर फर्स्ट टाइम का रूम का व्यू। ठीक है, देखिए मैं जो बता रहा था, नॉर्मली दो कॉटेजेस है, ठीक है, देख रहे हैं आप दोनों साइड दो कॉटेज है। अब दो कॉटेज में दो तकिया तो लगा है, अब एक तकिया एक्स्ट्रा इन्होंने ज़मीन पे दिया है तो दिक्कत नहीं होता, क्योंकि 10th फ्लोर में है, मतलब ग्राउंड फ्लोर में तो नहीं है तो उतना दिक्कत नहीं होता है, तो एडजस्ट कर लेता है कोई एक। तो ये एक टेबल है, ठीक है, जहाँ पे ये टीवी रखा है, लेकिन देख रहे हैं आप उल्टे डायरेक्शन से इसका कनेक्शन खुला है सभी, और नीचे ड्रॉयर वायर में होगा इसका वो क्या बोलते हैं सेटअप बॉक्स वगैरह। अब इधर देखिए ये एक टेबल है, ठीक है, और स्टडी टेबल है शायद, और ये देखिए स्टडी लैम्प भी है इधर, ठीक है, और ये है बाथरूम का पहले वाला पोर्शन। यहाँ पे ये लाइट है, और ये रहा बाथरूम, ठीक है। तो बस एक ही दिक्कत है कि ज़्यादा उतना एग्जॉस्ट करने का जगह नहीं है बाथरूम में। तो पहले, मतलब पहले ये मैं नोटिस नहीं किया था, एक भैया था वो नोटिस किया। ये देखिए गीज़र है, ठीक है, और ये बेसिन है, और ये क्या वेस्टर्न या इंडियन कहते हैं पता नहीं, मेरे को तो 2-in-1 लगता है। तो दो दो लाइट्स है बाथरूम में, यहाँ पे एक वहाँ पे एक, सही है। यहाँ पे बाथरूम का जस्ट बाहर में ये रखने का जगह है, ठीक है, बहुत जगह है, लेकिन हम यूज़ ही नहीं किए इसको, ठीक है। इंडियन फ्लैग, जय हिंद। तो अच्छा, गीजर का जो बता रहा था मैं, ये देखिए कनेक्शन, देखिए कनेक्शन देख रहे हैं। अब ये समझना थोड़ा थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि हम तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो कनेक्शन समझना थोड़ा इजी हो जाता है कि कहाँ से कहाँ पानी जा रहा है। तो देखिए एक्चुअली इनलेट उधर हो रहा है गीजर में, आउटलेट से जो पानी आ रहा है गर्म पानी वो डायरेक्ट आप ले सकते हैं, ठीक है, और आप ठंडा पानी का टैप से भी ले सकते हैं, और आप उधर क्या बताते हैं सावर में भी गर्म पानी ला सकते हैं। तो बस यही है, अभी इसको खुला ही रखते हैं। अच्छा, तो बैलकनी देखिए, दो दो चेयर है, ठीक है, तीनों बेड, ये रहा बैलकनी, बैलकनी व्यू है। अभी तो बारिश हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है, कितने बजे, अभी 8:30 तो बज गए होंगे लग रहा है। तो इंटरव्यू का जो रिपोर्टिंग है वो 8:30 बजे होता है, लेकिन इंटरव्यू स्टार्ट 8:30 बजे से नहीं होता है, मतलब मान लीजिए आप थोड़ा लेट भी किए ना, थोड़ा भी लेट किए तो 9:30, 9:30, 11 तो चलेगा, क्योंकि एक के बाद अब मतलब जिस सीरियल से आएगा उस सीरियल से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होके आपको एक सीरियल नंबर देगा, उस सीरियल नंबर से आपका इंटरव्यू होगा। तो हो भी सकता है मतलब आप लेट आए, क्योंकि अभी जस्ट वीडियो बनाने के पहले ही मैं कोरा में एक फीडबैक पढ़ रहा था, वो बता रहा था कि उसका ट्रेन लेट था, इसलिए वो सुबह 11 बजे पहुँचा CSMT। तो इसलिए भैया ने क्या किया कि डायरेक्ट ट्रेन में ही फॉर्मल्स पहन के इधर आ गए। तो और उसका लास्ट नंबर रहा, तो कोई नहीं, मतलब इंटरव्यूअर तो रहेंगे विद पेशेंस, और अच्छा नज़ारा आ रहा है। ये तो बैल्कनी व्यू मैं दिखाई हूँ, ठीक है, ये AC है जो कि चला नहीं पाए हम, और ये एक यूनिक चीज़ लगा मेरे को कि ये जो पॉइंट्स है ना, ये देख रहे हैं आप AC का, ये नॉर्मल हमारा जैसे AC पॉइंट्स है वैसा नहीं है, ये कैसा है दिखा रहे हैं, ये ऑफ है कि ऑन है, ऑफ
ये देखिए ऐसा पॉइंट्स ना सभी एसी या गीज़र ये सब जगह में मैं देख रहा हूँ। इसमें तो मेरे को पता नहीं अर्थिंग पॉइंट तो है नहीं, ठीक है, इसमें अर्थिंग पॉइंट है नहीं। ये देखिए यहाँ पे भी नहीं है, देख रहा है ना, तो पता नहीं मतलब सेफ्टी कहाँ से लाता है। लेकिन लाइफ न्यूट्रल है इतना तक तो समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा यूनिक चीज़ मैं पहली बार देख रहा हूँ इधर आके। और पूरे इंडिया में तो बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए। अच्छा और एक यूनिक चीज़ है, ये जो पाइप ऊपर दिख रहा है ना, ये किसका पाइप है बता सकते हैं? थोड़ा सोचिए, इलेक्ट्रिसिटी का होगा। अब देखिए शायद पता होगा, अगर आपको पता है उधर देखिए, देख रहा है कि दिन का टाइम में उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, शायद रात का टाइम ब्लिंक कर रहा था, ठीक है। तो बस यही है रूम का व्यू, अभी मैं रूम का व्यू ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरे अलावा बाकी सब लोग अभी बाहर है। एक तो एक भैया घर चले गए और एक भैया किससे मिलने गए हैं, मतलब उन्हीं का सर या सीनियर से, तो बस यही है, ठीक है। तो रूम देख लिए आप, ये एक्चुअली 10th फ्लोर है। अब ज़रूरी नहीं कि आपको 10th फ्लोर वाला ही रूम मिले, 11th फ्लोर वाला ही मिले, आपको नीचे वाला फ्लोर भी मिल सकता है, आई मीन 8th फ्लोर 6th फ्लोर, उनमें से किसी एक फ्लोर शायद गर्ल्स के लिए है, शायद, मैं श्योर नहीं, लेकिन शायद बिल्डिंग सेम है। और क्या आपका और बताने का लायक और क्या है? हाँ हाँ याद आया कि आपका ज़रूरी नहीं कि आपका यही फ्लोर मिले, ठीक है, मतलब ये लोग देखते हैं कि रूम कितना वैकेट है, कौन सा वैकेट है, उसके हिसाब से रूम अलॉट कर देता है, ठीक है। नीचे देखिए गाड़ी जा रहा है, ये भाई ये रिवर्स करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। ये देखिए उसके पीछे कितने सा छोटा सा जगह है, अब रिवर्स से फर्स्ट गियर डाल के गाड़ी को पूरा घुमाएगा। मेरे को तो दिख रहा है, आपको जूम करके पता नहीं, मेरे को दिख रहा था, मतलब वो स्टीयरिंग घुमा रहा था ड्राइवर का सीट में। एक्चुअली रिवर्स करना लोग बोलता है, मतलब कि अगर आप रिवर्स करना सीख गए ना गाड़ी का तो आप गाड़ी सीख गए, क्योंकि मुश्किल हो जाता है। अरे भाई ये तो मस्त चीज़ है, ये देखिए वो वाला कार में सनरूफ है, गजब। इसका कार है समझ नहीं आ रहा है मेरे को, यहाँ से अच्छे से नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ में जितना भी कार दिख रहा है ना, तो मतलब टाटा का मैक्सिमम दिख रहा है, मैक्सिमम का टाटा का दिख रहा है, और बाकी तो ये टाटा सफारी तो मुझे नहीं लगता है। पता नहीं, लेकिन बाकी सब है, मतलब आपका वो क्या पता नाम भूल गया, वो W टाइप का एक साइन रहता है, ठीक है। और मारुति सुजुकी भी है, सुजुकी भी है, मतलब आपका इतना रेशियो में नहीं है, जैसे कोलकाता साइड में आप जाएंगे ना तो बहुत मारुति सुजुकी है, बहुत। लेकिन यहाँ पे टाटा का ही मैक्सिमम कार मेरे को दिखता है, एटलीस्ट अनुशक्ति नगर के अंदर तो दिखता ही है, ठीक है। अब दूर में देखिए दोनों पहाड़ के बीच में वो जो लंबा सा दिख रहा है ना, कोई बोल रहा था कि उसके पीछे कोई मतलब आपका लैबोरेटरी वगैरह होगा जहाँ पे एक्सपेरिमेंट वगैरह होता है, तो इसलिए शायद शीशा का बना हुआ है, पता नहीं, मतलब आई मीन हो भी सकता है, क्योंकि कल मैं जिन लोगों के साथ घूमने गया था सी बीच पे, तो उनमें से ही एक आदमी बता रहा था, एक भैया बता रहा था कि वो गए थे उतना दूर चले गए थे, समझ रहे हैं आप, बहुत दूर होगा, मतलब पहला दिन आके ही वो घूम लिए मैक्सिमम जगह, तो इधर भी घूम लिए, इधर झरना वगैरह है, मतलब
झरना टाइप का नहीं, मतलब एक लेक टाइप का कुछ है, और वाटर क्या बताया था, फुआरा कहते हैं उसको, मतलब आर्टिफिशियल है। बाहर जा रहा है तो ये जो सामने वाला रास्ता दिख रहा है ना, ये रास्ता जहाँ उठ रहा है, मतलब ये कार जहाँ उठेगा, मैं बताऊँगा, रुकिए, ये हाँ जहाँ पे उठ रहा है, इसके बाद ना रास्ता आपका प्लेन नहीं है, मतलब हिली रीजन्स के कारण ना ये रास्ता ऊंचाई नीचे ऐसे करके रास्ता है, लेकिन जो भी है ठीक है, ठीक है। तो ये इसका तो बहुत बार व्यू दे चुका हूँ मैं। चलिए अभी देखें, आपकी काला बदल था, अभी तो उतना नहीं है, ठीक है। चलिए तो रूम का भी व्यू दे दिए, बता रहा था ना बाथरूम का एक दोष नहीं है, तो बस यही एक ऐसे करके है, लेकिन दिक्कत ये है कि उसका उस साइड में ना, ये तो खिड़की है, उसका अंदर का साइड से जाली लगा हुआ है, इसलिए ना उतना गैस नहीं निकल पाता, जो कि बहुत ज़रूरी है एग्जॉस्ट का, कम से कम बाथरूम और किचन का एग्जॉस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो रूम का एडजस्ट हो जाता है, उतना अच्छे से नहीं पता, सिविल इंजीनियर को पता होगा, इनका भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जितना बता पा रहा हूँ बस वही, ठीक है। अच्छा लोग डॉग घुमाने भी लाए हैं, अच्छा अच्छा लोग है इधर, टोटो नहीं ऑटो यार, ऐसे ऑटो सिर्फ ये मुंबई चेन्नई में भी होगा शायद, और कहाँ बेंगलोर गए थे वहाँ पे भी ऐसे ही ऑटो मिला, और आपका कोलकाता में भी है, लेकिन हमारी जगह में तो सब टोटो 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 कहते हैं, टोटो, ये देखिए ऑटो जा रहा है, ठीक है। एक्चुअली अनुशक्ति नगर के अंदर है, ठीक है। तो बस यही, अब कितना दिखाए, ये सब व्यू तो आप देख ही चुके हैं, मतलब अलग से वीडियो में इन सब का व्यू है, तो इस वीडियो का पर्पस तो रूम का व्यू था, ठीक है, देख लिया आप लोग, ठीक है। खिड़की एक है और उधर आउट बाहर, इधर जो जगह है ना, मतलब ये सामने जो जगह है ये एक्चुअली एक बाथरूम के पहले का स्पेस है, ठीक है। और ये जो जगह है ये तो वो है दरवाज़ा, तो अब ये दरवाज़ा का स्पेशलिटी ये है कि देखिए इसमें ना आप साउंड आया कुछ, एक्चुअली लिफ्ट का साउंड है, हमें कॉरिडोर का भी व्यू दे देता हूँ, देखिए ये ईस्ट वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर लिफ्ट है एकदम सामने ही, लिफ्ट का सामने ही दिया, मतलब जो पहले रूम दिया ना लिफ्ट से हम चढ़ के आए, बस एकदम सामने ही देखा रूम नंबर, हमारे रूम नंबर। तो हाँ, जो स्पेशलिटी बता रहा था, ये जो चाबी है ना, ये चाबी यहाँ पे है, और इसका स्पेशलिटी है कि बाहर से लॉक हो जाए तो अब बाहर से नहीं खुलने वाला है ये, ठीक है, बिना चाबी नहीं खुलने वाला है, अंदर से ही लोग इसको बिना चाबी खोल पाएगा, अच्छा है, ठीक है, रहने के लिए अच्छा है, व्यू भी अच्छा है, बस यही। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, ठीक है। और हाँ, इनमें से मेरा बेड कौन सा होगा वो भी बताइएगा, अगर आपको मालूम है तो, ठीक है, ये तीनों में से जो मैं दिखाया, बस ठीक है। चलिए तो वीडियो को ख़त्म करते हैं, जय हिंद।